छत्तीसगढ़ के जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के गांव देवसागर में विराजमान मां जेवरादाई मंदिर में चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे, जहां माता का आशीर्वाद लेते हुए मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए कामना की। बता दें कि मां जेवरादाई मंदिर में आकर भक्त अपनी तमाम परेशानियों से मुक्ति पाते हैं। वहीं नवरात्रि पर मंदिर में मेले का भी आयोजन किया जाता है, जहां भक्तजनों के मनोरंजन के लिए झूले, सर्कस समेत अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आज पूरा देश में रामनवमी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ भगवान रामलला का नानिहाल है और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के बिलाईगढ़ विकास खंड अंतर्गत चंदली गांव में आज मैं मौजूद हूं, चंदलीडी गांव में मौजूद हूं और आज यहां रामनामी समाज के लोग मेरे बीच में मौजूद हैं। उनसे हम लोग चर्चा करना चाहेंगे किस प्रकार से आज रामनवमी मनाया जा रहा है। हमारे पास उनके रामनवमी समाज के लोग मौजूद है, उनसे सीधा जानना चाहेंगे रामनवमी किस प्रकार से आप लोग मना रहे हैं। जी राम राम। अब सैकड़ों साल बाद इस साल रामनवमी की कृपा से रामलला जी अयोध्या में विराजमान हुए हैं, तो उसके उपलक्ष्य में वैसे तो हम लोग प्रतिवर्ष ये राम जन्म उत्सव मनाते आ रहे हैं उत्तराखंड में, शिवरीनारायण में, पीरदा में, लेकिन इस वर्ष हम चंदलीडी ग्राम में राम जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में एक रामनवमी भजन मेला उत्सव का 5 दिवसीय कार्यक्रम रखे हैं 17 अप्रैल से 21 अप्रैल तक। जैसे कि यहाँ पर जिस प्रकार से बताया जा रहे हैं रामनवमी मेला को लेकर के काफी उत्साह नजर इन लोगों में आ रहे हैं, यह आयोजन जिस प्रकार से मेला के आयोजन बताया जा रहे हैं प्रथम बार लग रहा है। हाँ, मतलब यहाँ उत्सव के नाम से मेला के रूप में प्रथम बार है, लेकिन हमारे राम जन्म उत्सव रामनवमी को हम करीब 150 से 200 साल पहले से हमारे रामनवमी संप्रदाय मनाते आ रहे हैं। यहाँ रामनामी समुदाय के लोग काफी आए हुए हैं और चंदलीडी गांव में हर्षोल्लास के साथ आज रामनामी मेले के रूप में भी भव्यतापूर्ण आज मनाने जा रहे हैं। लोगों को किस प्रकार से आप संदेश देना चाहेंगे? जी बस हम यही संदेश देना चाहते हैं कि रामनामी रामनाम का विचारधारा एक विचारधारा है, एक कोई संप्रदाय या कम्युनिटी नहीं है, एक विचारधारा। हम लोगों को यही संदेश देना चाह रहे हैं कि लोग राम नाम का जाप करें, शुद्ध सात्विकी जीवन बिताएं, भोजन में शाकाहार लें, मार्ग द्रव्य का सेवन ना करें और मन से वचन से कर्म से हम किसी को पीड़ा पहुंचाने की चेष्टा ना करें और किसी जाति के आधार पर, किसी धर्म के आधार पर, किसी लिंग के आधार पर किसी से हम भेदभाव ना करें, किसी को हम छोटा बड़ा ना समझें। बस हम यही संदेश देना चाहते हैं। राम राम। रामनामी समाज के और कुछ माताएं इस वक्त मौजूद है, उनसे भी हम लोग चर्चा करना चाहेंगे रामनामी मेला और रामनामी रामनाम जन्म उत्सव को लेकर के किस प्रकार के उत्साह है उनके मन में। रामनामी समाज है आप लोगों का, राम भगवान श्री राम जी का जयंती है, किस प्रकार से मना रहे हैं आप लोग? राम राम। हम लोग तो हमारे पूर्वज लोग ना 200 साल से मना रहे हैं रामनामी का, राम राम जन्म का। आज जन्म हुआ है राम राम का रामनवमी के दिन, उसी लिए हमारे पूर्वज लोग मनाते मनाते आ रहा है और 200 साल हो गया। हम लोग ऐसे मनाते हैं और काकन गांव में नंदी के खंड में और काकन है हमारे पूर्वज लोग, वहां मंदिर बनाया है और वहां भजन करते हैं, भजन करते आ रहा है और लोग समाज लोग गए हैं वहां और हम लोग पूरा सब दिन मनाते मनाते आ रहा है। हमारे पूर्वज लोग सब रहे तब मनाया है। हम लोग जब राम राम नहीं जन्मे थे अयोध्या में तब तक यह इनका नाम मनाते आ रहा है सब दिन। आज नहीं है कि सब दिन इसको नाम को जानते हैं। यहाँ पर रामनवमी समाज के लोग मौजूद हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से इन लोगों में उत्साह है और आज भगवान राम की जयंती के पावन अवसर पर काफी हर्ष उल्लास के साथ ये लोग यह जयंती मनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। बिलाईगढ़ से साधना न्यूज के लिए सहदेव।